आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना अदमादौला फाउंड्री नगर में टपेबाज मजदूर को कागज की गड्डी थमा 30,000 रुपए लेकर रफूचक्कर हो गया। मजदूर मकान बनवाने के लिए बैंक से 30,000 रुपए लेकर घर जा रहा था, उसी समय टपेबाज खुले पैसे के बहाने रकम लेकर भाग गए। शहर में टप्पेबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भीड़ भरे बाजारों के साथ बैंक के अंदर शातिर पहुंचकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। थाना एतमौदौला फाउंड्री नगर में टप्पेबाज मजदूर को कागज की गड्डी थमाकर 30,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आसपास का इलाका खंगाल डाला, लेकिन टप्पेबाज हाथ नहीं आए। ये घटना बैंक में पैसे लेने गया, पैसे लेने के बाद मैं जिम में रख रहा था, उनने कई चाचा खोले पैसे तुम्हारे पास, ये गड्डी पकड़ो और ये मतलब जो मैं हिसाब करना है, बस इतनी बात। नगरा किशन लाल एतमौदौला के रहने वाले रतन सिंह अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। रतन सिंह मकान बनवाने के लिए SBI से 30,000 रुपए निकालने गए थे। रुपए निकालकर रतन सिंह बाहर निकल रहे थे, इससे पहले ही बैंक के अंदर टप्पेबाजों ने मजदूर को रोक लिया और खुले पैसे देने को कहा। मजदूर रतन सिंह कुछ समझ नहीं पाए और 100 और 200 की गड्डी शातिरों को दे दी। इसी बीच टप्पेबाज कागज की गड्डी रतन सिंह को थमाकर 9:02:11 हो गए। ये काला सा एक गोरा सा लड़का है। अच्छा, और काहे से चले गए वो? पैदल ही थे। पुलिस में शिकायत करी आपने? नहीं साहब, हम नहीं आए। कहाँ पर आए हो अभी? शातिरों ने कागज की गड्डी के ऊपर नीचे 500 के नोट लगाकर मजदूर को गुमराह कर दिया था। बाद में देखने पर रतन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। आसपास के लोगों का मजमा लग गया। मजदूर ने एतमौदौला थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। कमला नगर, बल्केश्वर, वाटर वर्क्स, रामबाग, MG रोड के साथ अन्य स्थानों पर कई बार ऐसी वारदात हो चुकी है, फिर भी पुलिस गैंग को नहीं पकड़ पा रही। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।